नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ शिवगांव के सर्पमित्र रितेश हुशार। यहां पर मैं आज तीन टॉपिक पर बात करूंगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारे जो YouTube चैनल को 3 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, इस बारे में। दूसरा टॉपिक है कि एक व्यक्ति ने बहुत ही क्रूरता से दो सांपों की हत्या की, काफी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा भी होगा। और तीसरी बात, बापी दास ने एक एक्सपर्ट जिनको अभी हाल ही में रसल स्वाइपर ने बाइट किया था, वो भी हमारे साथ इस वीडियो में आने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना, बापी दास का क्या हालचाल है इसी वीडियो में हम जान लेंगे और उनको यहां पर लाइव देख लेंगे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने इतना सारा सपोर्ट किया, इसी वजह से आज मैं यहां पर पहुंचा हूं। 3 मिलियन तक सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं, इसलिए मैं आप सभी को मेरी टीम की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने इतना सारा सपोर्ट किया, इस वजह से मैं आज यहां पर पहुंचा हूं। और भी आप ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर से व्यूअर से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो 10 मिलियन तक पहुंचने के लिए वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और खास करके अभी तक आपने अगर बेल बटन नहीं दबाया इस चैनल का तो बेल बटन दबाना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो अभी आपने सब्सक्राइब भी किया होगा, बेल बटन नहीं दबाया होगा तो बेल बटन जरूर दबाना। तो दूसरी बात यह है दोस्तों, स्क्रीन पर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। यहां पर एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का राजगढ़ से है और उस व्यक्ति पर कार्रवाई भी हो चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितनी क्रूरता से वो व्यक्ति दोनों सांपों को मार डालता है, और यहां तक भी वो रुकता नहीं है। कुल्हाड़ी से टुकड़े करने के बाद वो व्यक्ति उन दोनों सांप के ऊपर केरोसिन डाल करके उनको जला देता है। इतनी क्रूरता क्या है यार, जानवर इंसान बन गया, लेकिन इंसान जानवर बनता जा रहा है, इस वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं। इतनी क्रूरता कैसे आदमी में आती है। उस आदमी ने बहुत ही क्रूरता से उसको मारा है, उन दोनों सांप को उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मारकर उन्होंने यहां तक रुके नहीं, जलाया भी। जलाने के बाद सोशल मीडिया पर इतना तेजी से वीडियो वायरल किया है कि हर एक लोग के मोबाइल में आज वो वीडियो मौजूद है। हम ऐसे वीडियो नहीं देख सकते कि इतनी क्रूरता से कोई आदमी जानवर को मार रहा है, बहुत ही दुख होता है दोस्तों, बहुत ही दुख हुआ है देख करके। लेकिन क्या करें, हमारे बस की बात नहीं है, इतना दूर वो आदमी है, कितना लोगों को हम समझाएंगे। इतना रोज हम बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर हर एक वीडियो में बोलते हैं सांपों को बचाओ, फिर भी ऐसे लोग सांपों को क्यों मार रहे पता नहीं। खैर जो भी हो, आपने देखा कि कितनी क्रूरता से उसने मारा है उस सांपों को, हमसे देखा नहीं जाता। फिर एक बार मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अपराध मत करिए, क्योंकि सांपों को मारना भी अपराध है। तो उस आदमी को अभी, उस आदमी पर केस भी हुआ है। चलिए अभी हम बापीदा का हालचाल जान लेते हैं। तीसरा टॉपिक जो मैंने कहा था कि बापीदा अभी हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, तो दोस्तों अभी आगे देखते हैं हम बापीदा को किस तरह, उनका क्या क्या हाल है। मैंने तो फोन पर वीडियो के माध्यम से उनको देखा भी है, आप भी अभी आपके सामने देखिए कि बापीदा किस हाल में है। तो दोस्तों बापीदा अभी बिल्कुल ठीक है, अगला आवाज हम उनका सुनने वाले हैं, अगला वीडियो हम उनका देखने वाले हैं। उससे पहले बापीदा स्नेक एक्सपर्ट नाम का उनका चैनल है खुद का, जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत ही अच्छा सांपों के बारे में जानकारी बताते हैं। तो चलिए अभी बापीदा को सुन लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, सर्पमित्र आकाश जाधव जी का चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज पूर्ण रूप से ठीक हूँ, मुझे जो सर्पदंश हुआ था ये सूचना आकाश यादव जी अपना चैनल के द्वारा प्रसारित किए थे, सभी को ये खबर पहुंचाए थे। बहुत सारे मित्र हमारे लिए दुआ किए हैं, उनके फॉलोअर, हमारे फॉलोअर और जितने भी हमारे प्रेमी चाहने वाले हैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आकाश यादव जी भी बहुत हमारे लिए दुआ किए हैं, और उनको बहुत झेलना भी पड़ा होगा बहुत सारा मुसीबत, क्योंकि मुझे पता है कि फैन होता है और उनको भी बहुत सारे फैन रात दिन 24 आवर्स कॉल किए होंगे। वो हमेशा उन सभी को हमारा सूचना दिए और उनको समय समय पर जवाब दिए, उनके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आकाश यादव जी के पास। और उसके साथ साथ आकाश यादव जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं,
उनके लिए मेरा बहुत सम्मान है। और आज एक चीज़ और एक खुशखबरी मैं सुनाना चाहता हूँ कि आकाश यादव जी के चैनल में आज 3 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा हुआ। और आपको सभी को, जितने फॉलोअर्स हैं, सभी को इसका श्रेय है, आप सभी को इसका हकदार है। इसी तरह प्यार बनाए रखें दोस्तों। और आप सभी को अनुरोध है कि आप सांप से बचने के लिए, कभी भी आपका घर में सांप घुस जाए, रेस्क्यू करने के लिए आपके एरिया है, आकाश यादव जी को बुलाएं, वो सुरक्षित निकाल के फिर जंगल में छोड़ देंगे। जो कार्य वो करते हैं, सांप को इंसान और इंसान को सांप से बचाने का कार्य, इसी तरह करते रहेंगे। हम लोग आपके लिए सदा आभारी है सर, सदा तत्पर रहेंगे। जब भी आप लोग रेस्क्यू के लिए बुलाएंगे, हम लोग आपके घर पहुंचेंगे दोस्तों। नमस्कार। तो दोस्तों, आपने देखा बापी दाबी बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, और अभी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से डेंजर जोन से बाहर है। बापीदा बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने आज तक कई लोगों की जान बचाई है। वो सांपों को रेस्क्यू भी करते हैं और इंसानों को भी रेस्क्यू करते हैं। और आज तक 10 सालों में उनके क्लिनिक में, जो सर्पवंश के होने के बाद जो लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान अभी तक कोई भी व्यक्ति मरा नहीं है। इसलिए मैं बापीदा को तहे दिल से सल्यूट करता हूँ। आप लोगों की भी जान बचाते हैं और सांपों की भी जान बचाते हैं। तो दोस्तों, बापीदा स्नेक एक्सपर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और दोस्तों इस वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब भी करना, साथ ही साथ बेल बटन भी दबाना। धन्यवाद।